Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग त्रिभुज का दूसरा पार्ट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a दिया हुआ है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 2015-2021 में पूछा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी पहले बना लीजिए, ठीक है। ए बी सी, अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 2a, यानी कि एबी भुजा 2a, एसी भुजा 2a और बीसी भुजा भी 2a, ठीक है। अब कहता है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए शीर्ष लंब मतलब क्या हुआ कि अगर यहां देखिए ये शीर्ष है और यहां से सामने वाला भुजा पर एक लाइन खींचे तो ये लंब हो गया, या फिर ये शीर्ष है इसके सामने यहां से एक लाइन खींचे तो ये लंब हो गया, या फिर ये है इसके सामने खींच दीजिए तो ये क्या हो गया लंब हो गया। तो इस प्रकार से इसको बढ़िया से कर लेते हैं। देखिए तो प्रत्येक शीर्ष लंब का इसका भी नाम दीजिए, चलिए ये ई है ये एफ, ठीक है। यानी कि देखिए समझिए ए से इसका नाम दे लीजिए, तो ए से बी का लंबाई या फिर बी से ई का लंबाई या सी से एफ का लंबाई, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि अगर हम लोग देखेंगे ध्यान दीजिएगा ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी तथा एक और त्रिभुज देखिए ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखिएगा ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, बोलो कितना बराबर है 2a। देखिए त्रिभुज इधर वाला ये वाला त्रिभुज में ए बी 2a, इधर वाला त्रिभुज में ए सी 2a, दो भुजा बराबर है। उसके बाद इसका 90 कोण, इसका भी 90 कोण, तो दोनों कोण जो है यानी कि कोण ए डी बी और कोण ए डी सी कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो बात कीजिएगा नाइन तो में पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज का समकोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तब हम उसको बोलेंगे आरएच यस सर्वांग समता। क्या बोलेंगे? आरएच यस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। दो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम, यानी कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होगा बराबर। ध्यान दीजिएगा अगर ए से बी और ए से सी बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बी या फिर बी सी बी सी डी सब का सब क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिएगा सर्वांग सम त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, तो हम कह सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर ए सी, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो और देखिए कौन सा भुजा बराबर होगा बी डी और सी डी, देखिए बी से डी और सी से डी बराबर, अगर बराबर होगा तो कितना होगा देखिए पूरा कितना है 2a। अब 2a को बराबर बराबर दो भाग में बांटेंगे तो यहां से यहां कितना आएगा a और यहां से यहां भी कितना आएगा a, तब a और a बराबर होकर के 2a होगा, तो ये हो गया a। अब हम आराम से निकाल सकते हैं किसका लंब का लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब का लंबाई। तो ले लीजिए त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण के सामने का भुजा, देखिए ए बी डी ए बी डी ए देखिए समकोण है इसके सामने का भुजा तो क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है ठीक है लंब का स्क्वायर जो आधार का मान रख दीजिए। देखिए कर्ण का होता है समकोण के सामने का भुजा यानी कि ए बी का स्क्वायर, और ये लंब हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आधार बी डी का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए देखिए ए से बी कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर, ए से डी लंब ज्ञात करना है तो रहने दीजिए ए से बी का स्क्वायर प्लस बी से डी कितना आया है ए आया है, ठीक है। ए निकालने के लिए इतना करना पड़ा देखिए, ठीक है ये दिया हुआ नहीं था। अब देखिएगा 2a का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे
फोर ए स्क्वायर प्लस कितना लगे तो माइनस ए स्क्वायर एडी का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा इसको इधर ले जाइए तो एडी इक्वल टू कितना बचेगा थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्टा रूट, इसीलिए एडी यानी कि सिलसिला निकल जाएगा रूट तीन गुना भुजा यानी ए, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रत्येक सिलसिला यानी ए से डी अगर आ गया है रूट तीन ए तो इसका मतलब है कि सी से एफ भी उतना ही आएगा और बी से ई भी उतना ही आएगा, क्लियर। ये आपका हो गया सोल्यूशन, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में AB समानांतर दिया हुआ है BC, देखिए समानांतर का चिन्ह है, तथा उसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है मतलब काटता है, तो सिद्ध क्या करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये क्वेश्चन देखिए 12 में 13 में 18 में पूछा हुआ, तीन बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रचना कर लीजिए किसका, एक समलंब चतुर्भुज ABCD का। तो यहां पर देखिएगा एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, अब कहता है इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब इस कोण को इस कोण से मिला दीजिए, देखिए इस प्रकार से एक विकर्ण हो गया, इस विकर्ण का नाम क्या होगा बीडी, इसको और इसको इसे मिला दीजिए, इस विकर्ण का नाम क्या हो जाएगा ए सी, दोनों कहां पर काट रहा है जहां पर भी कटे उसका नाम क्या रख दीजिए ओ बिंदु, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है देखिए ओ ए ध्यान दीजिएगा ओ ए बटा ओ सी और ओ डी यानी ये वाला भुजा और ओ डी ये वाला भुजा दोनों अनुपात में सिद्ध करना, ध्यान दीजिएगा बच्चा। देखिए इसमें आप देखिएगा ये वाला देखिए ध्यान दीजिएगा और ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, हाँ, तो अगर बन रहा है देखिएगा चूंकि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ले लीजिए डी ओ सी में, अब अगर ये दोनों हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, अब बराबर क्या होगा इसको समझाते देखिए, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, देखिए दोनों में ओ आया ऊपर वाला ओ ऊपर के त्रिभुज का नीचे वाला नीचे के त्रिभुज का, और ये होगा सम्मुख कोण कह लीजिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण कह लीजिए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से सम्मुख कोण भी आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये देखिए आमने सामने का जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो दो कोण बराबर हो गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए देखिए ये दिया हुआ है कि ए बी समानांतर क्या है बी सी, यानी कि ये बड़ा भुजा और ये बड़ा क्या है समानांतर, तो देखिएगा कि चूंकि दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी, ये बच्चा ए बी समानांतर सी डी, इसीलिए ए बी समानांतर सी डी तथा अगर हम बी बी को एक तिर्यक रेखा मान ले, क्या मान ले एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हो तो कोण देखिएगा ए बी ओ बराबर हो गया कोण ए बी सी, कौन कौन से एकांतर कोण से, ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा अगर एक समानांतर दो समानांतर रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर होगा, तो ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण एकांतर कोण से बराबर, लिख लिया जाएगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला भुजा तुमको लेना है ये दोनों त्रिभुज में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण करेंगे एकांतर, देखिए ए बी ओ और ओ बी सी एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब आप कीजिए अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया समरूप होता है तो हम लिख देंगे ए ए समरूपता से, तो ए ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ सी, और आप याद कीजिए समरूप त्रिभुज की संगत हो जाए समानुपातिक होती है, तो अगर हम इस त्रिभुज का लेते हैं ए ओ तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे ओ सी और समानुपातिक होता है, इस त्रिभुज का लीजिए ए बी तो नीचे वाला त्रिभुज का ओ बी समानुपातिक होता है, यही क्या करना था सिद्ध करना था, समझे हो गया जी, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी सब कोण है, ठीक है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः उसकी भुजाओं सी ए और सी बी पर स्थित है, सिद्ध क्या करना है
ये सिद्ध करना है। 2019 में पूछा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है, क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज ए बी और इसका शीर्ष क्या है, समकोण है, देखिए कोण सी क्या है, समकोण बन गया। उसके बाद पी और क्यू उसकी भुजाओं सी ए, देखिए सी ए, तो सी ए पर कौन आएगा, पी आएगा, कहीं पर पी डाल दीजिए। उसके बाद सी बी, सी बी पर कौन आएगा, क्यू आएगा, यहां पर क्यू मार दीजिए, ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, ये इस प्रकार का रचना बन गया। सिद्ध क्या करना है, देखिए ए क्यू, ए से क्यू, तो ए से क्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इसको भी आप मिला दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद क्या कहता है, बी से पी, बी से पी मिल रहा है, इसको भी मिला दीजिए, मिल गया। अब ये आपका पूरा रचना हो गया। अब यही सिद्ध करना है कि ए से क्यू का स्क्वायर प्लस बी से पी का स्क्वायर बराबर है ए से बी का स्क्वायर और पी से क्यू का स्क्वायर, देखिए इसको भी मिला दिए, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीपी ले लीजिए, बीसीपी बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी सी पी ये वाला देखिए, इसमें ये समकोण है, और अगर ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो इसका स्क्वायर यानी कि बीपी का स्क्वायर बराबर पी से सी का स्क्वायर और प्लस बी से सी का स्क्वायर, ठीक समीकरण। इसी तरह समकोण त्रिभुज ए क्यू सी ले लीजिए, ए क्यू सी, ए क्यू सी ले लीजिए, बन रहा है सी समकोण है, समकोण के सामने ए से क्यू करना जाएगा, तो ए से क्यू का स्क्वायर बराबर ए से सी स्क्वायर, ठीक, क्यू से सी स्क्वायर, सभी तरह में। अभी तो ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, देखिए ए से क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, समीकरण को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक जोड़ दो करने पर, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड को एक तरफ, लेफ्ट साइड को एक तरफ जोड़िए, तो देखिए लेफ्ट वाला जो है ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जोड़ दिए, देखिए यहां पर लिख दिए हैं एक जोड़ दो, पहले लिख दिए हैं दो गलत, इससे कोई मतलब नहीं, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ए से क्यू स्क्वायर प्लस बी से पी स्क्वायर, इधर का तो मिल गया है, अब इधर देखिए ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू तो है नहीं कहीं पर, तो ए बी और पी क्यू अब देखिए कैसे निकालेंगे, ए से बी, ध्यान दीजिएगा ए से बी ये स्क्वायर है, देखिए सामने बन रहा है यानी कि बड़का त्रिभुज में, कैसे करिए उसको समीकरण तीन करके छोड़ दीजिए यहां पर, ठीक है। अब देखेंगे चूंकि त्रिभुज ले लीजिए समकोण भी बन रहा है ना, ले लीजिएगा समकोण त्रिभुज बड़ा बड़ा ले लीजिए ए बी सी में, तो ए बी सी में हम क्या देखेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वो कितना होगा, ठीक है, तो देखो ए सी बी सी दोनों मिल करके ए बी, तो ए बी आ जाएगा। अब लाना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर देख लीजिए, पी सी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें ले लीजिए, तो कर दीजिएगा तथा समकोण त्रिभुज पी पी क्यू सी में, ठीक, देखिए ये सामने क्या जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर और क्यू सी स्क्वायर। अब कर दीजिए यहां पर समीकरण तीन से, तो समीकरण तीन से देखिएगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ए से सी प्लस बी से सी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर मिलेगा। चलिए तो अब यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यहाँ पे देखिए तो ये आपका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए।
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। देखो एक त्रिभुज इस प्रकार का बना लीजिए, इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए पी क्यू आर, ठीक। अब इस पर बिंदु देखिए पी क्यू, पी क्यू पर बिंदु क्या आएगा, ई आएगा, कहीं पर ई ले लीजिए। उसके बाद पी आर पर क्या आएगा, ई एफ आएगा, कहीं पर ले लीजिए ई एफ, ठीक। अब कह रहे यदि पी से ई, पी से ई कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्यू से ई, क्यू से ई कितना है, क्यू से ई है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। पी से एफ, पी से एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर से एफ, आर से एफ है 9 सेंटीमीटर। सिद्ध क्या करना है, ई से एफ, ई से एफ देखिए मिल रहा है, कहां मिल रहा है, तो इसको मिला दीजिए, रचना कर दीजिए, ठीक है। तो ई से एफ समानांतर क्यू से आर, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देखिए, चूंकि पी से ई बटा क्यू से ई करिए, ध्यान दीजिएगा पी से ई बटा क्यू से ई तो हो जाएगा 4/4.5। इसी तरह है, इसी तरह उधर बदल लीजिए पी से एफ बटा आर से एफ तो 8/9 काट दीजिए, 4 दुनी 4.5 दुनी 9 तो 4.5 आ गया, दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ई क्यू ई बराबर पी एफ आर एफ, और बराबर कब होता है, जब दोनों रेखा यानी कि ई एफ और क्यू आर दोनों समानांतर होता है तभी बराबर आएगा, ऐसे बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर तभी आएगा जब ये दोनों समानांतर होगा, अगर समानांतर नहीं है तो बराबर नहीं आएगा। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बनाइए यहां पर पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और इस समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज तो है और इसमें क्या कहता है कि समद्विबाहु अरे दो भुजा बराबर भी हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, और ये वाला कोण सी समकोण है, और ए बी सी नाम रख दीजिए इसका। अब देखिए पूरा जो दिया हुआ है समझिए, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सटीक हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर, देखिए ए से बी का स्क्वायर 2ac² के बराबर है। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 11 में 15 में 20 में और 23 में पूछा क्वेश्चन है। अब देखिए चूंकि एबीसी ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है अरे 90 डिग्री है, और ए सी बराबर बी सी, क्योंकि समद्विबाहु तो दो भुजा बराबर होना है ना, ठीक है। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, जैसे ही समकोण बोलेगा ना पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए एकदम फ्री आप, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो रखे, समकोण के सामने का भुजा कर्ण का स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, और देखिएगा एबी स्क्वायर इक्वल ध्यान दीजिएगा एसी किसके बराबर है या उल्टा बीसी किसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी के जगह पर एसी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, एसी 2ac का स्क्वायर हो गया सीधे।